जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ यहाँ उपस्थित तमाम वरिष्ठतम अधिकारीगण और यहाँ इस सभागार में उपस्थित मीडिया के सभी साथीगण, आप सब जानते हैं कि हम लोग थोड़े थोड़े अंतराल पर अलग अलग विभागों की तरफ से जो विभाग से संबंधित जानकारियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, उसको ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के कार्यक्रम से आपको भी बताते हैं और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को भी बताते हैं। आप सब जानते हैं कि जल संसाधन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और वो इस मायने में है कि एक तो भारत अलग कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत जितना कृषि प्रधान देश है उससे अधिक बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहाँ अधिक से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है और कृषि बिना सिंचाई के कृषि में उपलब्धि सोची नहीं जा सकती। तो उस मायने में खास तौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो इस प्रदेश के या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है उसको मजबूत करने के लिए कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग पर पूरा ध्यान रखा जाता है। और हम लोगों की सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 1.5-2 दशक से काम कर रही है, इसके प्राथमिकताओं में जल संसाधन विभाग हमेशा ऊपर रहा है और जल संसाधन विभाग के कई प्रकार के कार्य होते हैं। आप सब यहाँ अनुभवी पत्रकार उपस्थित हैं, सबों को मालूम है कि कई क्षेत्र में यह विभाग काम करता है। कि वैसे मुख्य रूप से इसका सिंचाई विभाग नाम पहले हुआ करता था और आप उसी नाम से ही देखिएगा कि जैसे जैसे नाम बदला है विभाग का कार्य क्षेत्र भी बदलते जाता है। पहले सिंचाई, पहले तो उससे भी पहले नदी घाटी योजना विभाग कहलाता था, फिर आया सिंचाई विभाग, अब उससे भी आगे जल संसाधन विभाग हो गया है। तो इसके मुख्य काम या मुख्य जो सिंचाई का काम होता है, किसानों को खेती के लिए सिंचाई का जल उपलब्ध कराना, और दूसरा जो खास तौर से ये पूरे देश में बिहार के साथ मैंने एक तरह से समझिए कि खास समस्या है, ये पूरे देश में और कहीं नहीं समस्या है इस तरह से या इतनी भयावहता से, जो बाढ़ की समस्या हमारे यहाँ बिहार को झेलनी पड़ती है, वो चूंकि एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है और उसके कारण बहुत ही मतलब क्षति होती है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, तो उसके लिए बाढ़ प्रबंधन भी इस विभाग के मुख्य कार्यों में, और वो बिहार की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण होता है। आप सब समझते हैं कि बिहार मैंने एक तो ऐतिहासिक रूप से तो जो था सो था ही, उसकी अभी हम लोग इस विभाग के संबंध में क्या चर्चा करें, लेकिन भौगोलिक रूप से भी हम कोई बहुत भाग्यशाली प्रदेश नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ का पूरा जितना भूभाग है उसका समझिए कि 73% एरिया बाढ़ प्रवण है, मतलब फ्लड प्रोन है, कि उस उन इलाकों में बाढ़ आ सकती है। और एक बार बाढ़ आई तो समझिए कि आप पिछले समय में जो भी चाहे आधारभूत संरचना हो या फिर किसानों के फसल पैदावार हो, वो सब
बाढ़ को भेंट चढ़ जाते हैं, काफी नुकसान होता है। इसलिए इस विभाग के मैंडेट में प्राथमिकता में बाढ़ प्रबंधन भी होता है, और धीरे धीरे अब जब जल संसाधन हो गया है तो हमारे पास जितना जल किसी भी पूरे वर्ष के काल में जिस समय जितना जल उपलब्ध होता है उसका हम लोग जो ऑप्टिमम यूज कहते हैं कि अधिक से अधिक जो लोगों के हित में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये भी देखना इस विभाग के मैंडेट में धीरे धीरे आ गया है और हम लोग उसके लिए भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी जो हम लोग बरसात के समय से गुजर रहे हैं, सब जानते हैं कि इस समय में हम लोगों के यहाँ जल की अधिकता रहती है, और अधिकता अब एब्सोल्यूट टर्म में हम अधिकता नहीं कर सकते, ये भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पिछले समय में ये जल की अधिकता भी अब वो नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पर जो पहले हम लोग वाटर सरप्लस स्टेट में थे, माने जिसको हम लोग प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के यूनिट से इकाई से मापते हैं, वो अब हमारे यहाँ भी धीरे धीरे घटता चला गया है, और वो अब हम लोग मतलब स्ट्रेस्ड कैटेगरी जो है, जब प्रति व्यक्ति एकदम जरूरत के मुताबिक ही जल उपलब्ध होता है, अगर जरा भी ज्यादा उसकी मतलब मिसयूज हुआ या सही ढंग से उपलब्ध पानी का हम लोगों ने प्रबंधन नहीं किया तो पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, उस मतलब ब्रैकेट में उस श्रेणी में हम लोग चले गए हैं। तो इसलिए अब बाढ़ के समय भी या इस समय में भी हमको जितना जल अधिक प्राप्त हो रहा है उस जल का संचयन कर संग्रह करके अगर हम कुछ उपयोगी कार्य में नहीं लगाएं तो ये जल हमारा बर्बाद हो जाता है, और जल की जो भी उपलब्धता है उसका सही उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कई योजनाएं चलाई हैं, और वो सब योजनाएं समझिए कि बिहार के जल संसाधन विभाग की एक तरह से फ्लैगशिप योजनाएं हो गई हैं, कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी इन योजनाओं का अध्ययन करते हैं। कि अभी आपने देखा होगा जो हम लोग गंगा जल आपूर्ति योजना, जो हम लोग जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जो अभी के समय में अधिक जल आता है उसको लिफ्ट करके उद्वह करके दूसरे शहरों तक, जैसे अभी हम लोग गया बोधगया राजगीर में पानी पहुंचा दिए, जो अभी वाटर सरप्लस है अगर हम लोग नहीं इसको लिफ्ट करें तो सब समझिए कि गंगा नदी होते बंगाल की खाड़ी पहुंच जाती। तो इस पानी का भी हम लोग अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकें इसके लिए जो गंगा जलापूर्ति योजना है वो आज बहुत सारे दूसरे प्रदेशों के लिए भी उदाहरण बन गया है, और उसके माध्यम से बाकी तो पानी की मात्रा दूसरे इलाके में जा ही रही है, जहाँ जहाँ पेयजल भी संकट होता है उनके लिए भी गंगा जल उपलब्ध हो रहा है, और इसके दूसरे चरण में हम लोग अन्य शहरों में भी इस योजना को पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से ये चूंकि एक सफल योजना रही है तो इसी तरह की दूसरी योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो औरंगाबाद डिहरी सासाराम के इलाके में सोन नदी से भी हम लोग जो सरप्लस या अतिरिक्त जल उपलब्ध होता है उसको ट्रांसफर या लिफ्ट करके उन शहरों में भी हम लोग पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और जो भभुआ मोहनिया का इलाका है उसमें भी हम लोग का, चूंकि दुर्गावती जलाशय
ये भी आप समझ लीजिए कि ये भी हम लोगों के नीतीश सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि है जो आप तब समझिएगा जब आपको ये याद कराया जाएगा कि इस योजना की बुनियाद शुरुआत बाबू जगजीवन राम के समय में आज से 40-45 साल पहले की गई थी, लेकिन हम लोगों ने पिछले समय में इसको पूरा करके, जलाशय का काम और नहरों का काम भी पूरा करके, इससे किसानों को भी पानी दे रहे हैं और इसके जलाशय में जो सरप्लस वाटर रहता है उससे हम लोग बाकी इलाकों में, जो औरंगाबाद या उन सब अभी भभुआ मोहनिया का इलाका जो है, उन इलाकों में भी हम लोग पानी पहुंचाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जो न सिर्फ जरूरी है बल्कि अनोखी योजना है। ये सब हम लोग एक तरह से समझिए नवाचार करके ये विभाग अपनी सोच के तहत ये काम कर रहा है और इसमें मुख्यमंत्री जी का निर्देश या उनकी परिकल्पना का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। और अभी जो आप सबको पता है कि हम लोगों की सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है 7 निश्चय 2, और 7 निश्चय 2 के तहत उसका जो एक प्रमुख अवयव है, जो एक तरह से पूरे प्रदेश के किसानों के लिए इसका प्रावधान किया गया है, वो है हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की योजना। 7 निश्चय 2 की ये एक महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना का नोडल डिपार्टमेंट भी सिंचाई विभाग है कि हम लोग अलग अलग जिन क्षेत्रों में या जहाँ पे खेती योग्य जमीन है लेकिन सिंचाई के लिए जल का इंतजाम नहीं है, वहाँ पर हम लोग अतिरिक्त जल वहाँ पर पहुँचाने का काम, चाहे कैनाल बना के हो, चाहे वेयर या चेक डैम बना के हो, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बाकी उसमें अलग अलग विभाग के भी काम बटे हुए हैं, उसमें लघु जल संसाधन विभाग भी है, दूसरे विभाग भी हैं, लेकिन उसमें के काम का जितना हिस्सा जल संसाधन विभाग को, वैसे हम नोडल विभाग हैं लेकिन जितने काम का क्रियान्वयन हमारे विभाग को अपने त्याग करना था, उसमें लगभग हमारी उपलब्धि 96-97% हो चुकी है और शेष भी जो हमारा लक्ष्य है वो हम लोग पूरा कर लेंगे। बाकी कुछ विभाग की उपलब्धि कुछ कारणों से कम है, लेकिन सब मिला के हम लोग अच्छी उपलब्धि हासिल किए हैं और किसानों को जहाँ खेती के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था उन इलाकों में भी हम लोग पानी पहुँचा रहे हैं और आगे भी हमारी योजना है। और जैसा कि हमने कहा कि हम लोग का मुख्य काम किसानों को पानी पहुँचाना है, और पानी पहुंचाने में दो चीज होता है जो हम लोग सिंचाई का पानी देते हैं। एक तो होता है अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन, जो कहते हैं कि एडिशनल इरिगेशन पोटेंशियल क्या हम लोग इंक्रीज किए, कितना बढ़ाए, तो वो एक तरह एक माने एक मोर्चे की उपलब्धि होती है। और दूसरा होता है कि सब लोग जानते हैं कि हमारी नहरें या केनाल जो भी होती है ये कच्ची होती है, पानी के उसमें पानी जो बहता है तो धीरे धीरे गाद जमा होता है और वो सिल्टेशन के कारण उसका जो मतलब जल ग्रहण क्षमता जो होता है, जो वाटर बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं, वो धीरे धीरे घटते जाता है। तो उसके लिए जो इरिगेशन का इलाका है पूरा पानी नहीं जाता है, तो फिर कुछ इलाके में कमी हो जाती है,
तो उसके लिए जो हम लोग का ह्रास होता है, जैसे नहर में गाद जमा हो गया तो कम पानी गया, तो उसको भी पुनर्स्थापन की अलग योजना होती है। जो नहर पर हम लोग एक रेगुलर इंटरवल पर नहरों का पुनर्स्थापन योजना करते हैं, लेकिन काम उसमें सीधा यही होता है कि नहर में जो गाद जमा हो गया है जिससे कम पानी का प्रवाह होता है, वो नहर को फिर से अपने पुराने सेक्शन जो कहते हैं, मतलब जितनी गहरी या जहाँ पे उसका तल बेड था उसके अपने ओरिजिनल लेवल तक हम लोग पहुँचा देते हैं। तो दोनों तरीके से किया जाता है और दोनों पर हम लोग की अलग अलग उपलब्धि होती है। कुछ हम लोग अतिरिक्त इलाके में भी पानी पहुंचा देते हैं और कुछ इलाके में जहां से नहरें थी सिंचाई होता था लेकिन जल का प्रवाह कम होता है, उसको भी हम लोग फिर से पूरा प्रवाह बना रहे उसका भी इंतज़ाम हम लोग करते हैं। और उसी के तहत जैसे कमला में हम लोग मधुबनी में जो पहले वियर था, मतलब एक छोटी संरचना थी, उस पर हम लोग बराज बना रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण योजना है। और उससे बराज बनने से वहाँ पर किसानों को सिंचाई के लिए समझिए काफ़ी मतलब सुविधा होगी, और लगभग 29,000 और 550 मतलब 29,000 मतलब हेक्टेयर में वहाँ सिंचन मतलब सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है अब हाँ। और इसी तरीके से है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना भी है, ये समझिए हम लोग लगभग 2372 करोड़ रुपए की लागत से कर रहे हैं, और ये जब पूरा इस्टेब्लिश हो जाएगा तो उधर मधुबनी के और दरभंगा के इलाके में जो भी पंडौल बासोपट्टी खजौली इस सब इलाके में लगभग 1,87,000 हेक्टेयर एरिया में ये सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। और इसके अलावा हम लोग अपने कैनाल सिस्टम का इफेक्टिवनेस भी बढ़ाते हैं। एक तो दो चीज होता है, एक तो जो बेड पे गाद जमा होता है और साइड से जो क्षरण होता है, वो जो स्लाइडें पानी मिट्टी गिरती है तो उससे भी नहरों का नुकसान होता है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग नहरों में लाइनिंग काम कराते हैं। लाइनिंग मतलब होता है कि नहर के दोनों साइड्स में हम लोग पक्का स्ट्रक्चर मतलब ईंट का या दूसरा कोई स्ट्रक्चर लगा देते हैं जिससे इसके किनारों का क्षरण नहीं हो, और वो क्षरण होने से भी उसका सिंचन क्षमता घटती है। तो उसके हिसाब से हम लोग उसके भी क्षमता को बरकरार रखने का काम करते रहते हैं कि लाइनिंग कराते हैं जिससे कि वो अपने ओरिजिनल जो जल प्रवाह का उसका ये है वो बरकरार रहे। तो वो हम लोग अलग अलग इलाके में करा रहे हैं। सारण मुख्य नहर जो गंडक सिस्टम का पार्ट है उसमें भी करा रहे हैं, और फिर सोन भी जो नहर प्रणाली है उसका जो ईस्टर्न लिंक कैनाल है उसमें भी हम लोग करा रहे हैं। और अभी फिर एक बहुत मैंने समय से लंबित योजना को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, वो आप सब लोग को मालूम होगा कि उधर औरंगाबाद से लेकर उस इलाके में नॉर्थ कोयल जो जलाशय योजना, उत्तर कोयल जलाशय योजना जो पहले से अनेक कारणों से कुछ दूसरे प्रदेश से भी आपत्तियों के कारण, और दूसरा एक जो वन विभाग की भी आपत्तियों के कारण वो अटकी पड़ी थी, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी उसके प्रोग्रेस किया है और उम्मीद है कि उसको भी हम लोग कर पाएंगे। और एक और जो हम लोग बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं,
वो है जो नदियों को जोड़ने की योजना। आप सब लोग सुने होंगे, हम लोग बहुत दिन से काम इस पर कर रहे हैं, और यह भी बताते हुए हमको प्रसन्नता है कि नदियों के जोड़ने की योजना का निर्माण करने में पूरे देश में बिहार सबसे आगे है। हम लोग 8-9 योजना ऑलरेडी जो NWDA जो है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके सामने हम लोग का प्रपोज्ड है, और सब पर धीरे धीरे काम बढ़ रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा जो कोसी मेची लिंक है, उससे वो हम लोगों की काफी, मतलब वो योजना काफी एडवांस स्टेज में चली गई है। आपने देखा होगा अभी जो नए बजट में जो निर्मला सीतारमण जी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बिहार को अलग से कुछ योजनाओं में मदद करने की घोषणा की थी। उसमें एक ये भी था कोसी मेची लिंक। कोसी का पानी हम लोग मेची तक ले आते हैं, इसलिए पानी भी स्थानांतरण ट्रांसफर हो जाता है, और सिंचाई सुविधा भी इस इलाके में जो कोसी का कैनाल सिस्टम है उसमें, कैनाल के उस पार्ट में जहाँ पानी पहुँचने में पहले दिक्कत होती थी, वो अब इस कोसी मेची लिंक योजना से पानी हम लोग आसानी से और प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएंगे। उसी तरह से बागमती और बूढ़ी गंडक, जो पुराना शांति धार कहते हैं, बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने वाली शांति धार योजना का मतलब, शांति धार जो पुराना धार है उसको फिर कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो दोनों नदियां भी जुड़ जाएंगी, तो आवश्यकता अनुसार जल का स्थानांतरण हो पाएगा। और गंडक का है, गंडक और छारी अकालीन जो नाला है वो योजना है उसी तरीके से। और शिवहर जिला के पिपराही प्रखंड में बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने वाली एक योजना है, और ये सब तो योजना चल ही रही है, जिससे बाढ़ के समय में जो बहुत अधिक पानी है तो दूसरे नदी जहाँ पानी कम है उन नदियों में डाला जाता है, और इससे दोनों काम होता है, बाढ़ का शमन भी होता है, और जहाँ पानी गया वहाँ कुछ सिंचाई का भी प्रबंध हो पाता है उससे। और इसके अलावा एक और जो काम हम लोग महत्वपूर्ण कर रहे हैं, जिसकी सामाजिक स्तर पर बहुत सराहना हुई है, कि नदी के वैसे तट जो किसी न किसी रूप में, सांस्कृतिक रूप में या ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण रहे हैं, उन तटों को सुरक्षित करके वहाँ आने जाने वाले लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने का काम भी हम लोग विभाग से कर रहे हैं। उससे दोनों चीज होती है कि वह जो सांस्कृतिक स्थल है या ऐतिहासिक स्थल है उसकी सुरक्षा हो जाती है, और आने जाने वालों लोगों को सुविधा भी मिल जाती है। जो हम कहते हैं उधर उत्तर बिहार के होइएगा, आप लोग जाते होइएगा तो सिमरिया घाट देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसी तरह सुल्तानगंज चले जाइएगा। अभी एक और हम लोग उसमें कर रहे हैं, एक और कहाँ का है, बख्तियारपुर। हाँ, बख्तियारपुर का है, वो भी हो रहा है। सुल्तानगंज में भी देखिएगा, सिमरिया में तो कहते ना हजारों लाखों लोग आते हैं, और कटते कटते कभी ऊपर चला जाता था वो नदी का किनारा, और सुरक्षित था पूरा, तो हम लोगों ने उसको भी सुरक्षित कर दिया है, और हर तरह की सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई गई है। सुल्तानगंज आप सब लोग जानते हैं, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक हर तरह का वहाँ पर महत्व है। उसके भी किनारों को सुरक्षित करके हम लोग वहाँ विकसित काम कर रहे हैं। और बाढ़ से इस सब के अलावा जो बाढ़ से भी जो हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं, अभी आपको कहे ही हम लोग कि 73% इलाका
हम लोगों का बाढ़ प्रवण है, मैंने फ्लड प्रोन है, उसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग अभी तक जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड तरीका है, स्वीकार्य तरीका है, वो बांध बनाने का ही है। बाकी तो रिवर कोर्स मैनेजमेंट का या पानी के फ्लो को डिफ्लेक्ट करने का, सेंट्रलाइज करने का, वो सब तो प्रोएक्टिव तरीका है, वो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पानी जब ज़रूरत से अधिक हो जाता है तो प्रकृति के चुनौती के सामने तो कोई टिक नहीं पाता है। हम लोग इसी बार जैसे गंगा में इतना पानी आया, 3-4 साल से पानी कम हो रहा था, और इस बार गंगा में पानी जल का प्रवाह इतना तेज रहा, क्योंकि गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो देखिएगा तो काफ़ी हैं। मैंने पूरा ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश का जबलपुर वाला इलाका, इस सब इलाके में अगर कहीं जोर की बारिश होती है तो उन नदियों का, नेपाल तो हम लोग के सिर पर ऊपर में है ही उत्तर, कहीं पानी जोर से होगा तो वो पानी घूम के बिहार पहुंचेगा और गंगा नदी के माध्यम से घूमते घूमते वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो अगर मध्य प्रदेश के जबलपुर अमरकंटक इलाके में ज़्यादा बारिश हुई तो समझिए सोन नदी उफना जाती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक आइए, मतलब पश्चिम से उत्तर तक में, तो शुरू करिए चाहे घाघरा से शुरू होगा, घाघरा, गंडक, जो आपका कमला है, कोसी है, महानंदा है, सब जगह बारिश कहीं होगी पानी बिहार पहुंचता है। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि हम लोग भौगोलिक रूप से कोई बहुत भाग्यशाली नहीं है, हम लोग का एकदम उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ ऊंचा इलाका है, और हम लोग हर नदी के निम्न भाग में है, मतलब निम्न प्रवाह वाले इलाके में है, जिसको लोअर राइपेरियन स्टेट कहते हैं ना। और हमेशा नदी की, नदी प्रणाली की ये खासियत होती है कि ऊपर वाले लोग हमेशा अच्छी स्थिति में होते हैं, जब जरूरत हुआ पानी निकाल लिए, लेकिन वो जब नहीं निकाले, अभी ही जैसे देखिए आज जब हम आप लोग बात कर रहे हैं, हमारा सोन में डिस्चार्ज बढ़ा हुआ, क्योंकि वहाँ से जो हमारा रिहांदा बांध सागर है उधर अच्छी बारिश हुई, पानी खोल दिया। जब हमको ज़रूरत होती है तो हम लोग आदमी भेजते हैं, दो दो तीन तीन पदाधिकारी भेजते हैं, तब पानी छोड़ते हैं, और जब उनको ज़्यादा हो जाता है, जब हम लोग के पास भी पानी की दिक्कत नहीं है तो उधर से भेज के बाढ़ की स्थिति बढ़ा देते हैं। तो ये अगर आप नदी के नीचे भाग में बसते हैं तो ये सब मतलब स्वाभाविक रूप से कठिनाइयाँ आपके साथ जुड़ जाती हैं और उसको भी झेलना पड़ता है। वही हाल नेपाल से है, जो नेपाल के पश्चिम से पूर्व तक किसी इलाके में बारिश होगी तो कहीं से घूमते इधर जल आता ही है। तो हम लोग उसके लिए कम से कम जो खेती या रिहायशी वाला इलाका है, कृषि योग्य अच्छी भूमि है या फिर बसावट का इलाका है, उन इलाकों को तटबंध बनाकर हम लोग सुरक्षित करते हैं, और हम लोग तटबंध बना रहे हैं हर साल। उसके अलग अलग आंकड़े हैं, कुछ पुराने तटबंध हैं उसका भी रेजिंग स्ट्रेंथनिंग करते हैं, और कुछ इलाकों में नए तटबंध भी हम लोग बना रहे हैं, उसके विवरण भी हम समझते हैं आप लोगों को जो दिया गया है उसमें अलग अलग सारी जानकारियां दी हुई हैं। और इसके अलावा भी जो हम लोग काम कर रहे हैं कि अभी आप देखे होइएगा कि हम लोगों का जो शुरू से प्रोजेक्ट जो अभी कह रहे थे कि जो नदियाँ नेपाल से आती हैं, और हम लोग नेपाल का भी कोई बहुत दोष हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि नेपाल पानी रोक सकता है।
उसके तराई वाले इलाके में बारिश होगी, या हिमालय का तराई या नेपाल के दक्षिणी इलाके में बारिश होगी, तो वो पानी बिहार आएगा ही, ना वो रोक सकते हैं ना। तो हम लोगों ने जो इधर गंडक और कोसी में खास तौर से जो दो संरचनाएं हम लोग बनाए हुए हैं, जो दोनों बराज सब आप लोग जानते हैं, गंडक पर बराज है वहाँ वाल्मीकि नगर में, और कोसी में बराज है बीरपुर में। तो इन दोनों बराज के माध्यम से हम लोग जल के प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित करते हैं, और सिंचाई के लिए भी जल वहाँ से ट्रांसफर करते हैं। तो ये पानी जो बरसात के समय में अधिक आता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बनती है, या बाढ़ का भयावह स्थिति उत्पन्न होता है, उसके लिए हम लोगों ने पहले इसका तो असली निदान हाई लेवल डैम है जो ऊपर के इलाके में बनना है, लेकिन नेपाल उसमें सहयोग देने की स्थिति में नहीं रहता है। हमको याद है 10-12 साल पहले भी हम इस विभाग के प्रभार में थे, जब उस समय भी हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन अगर वहाँ पे रिजर्वायर बनना है, जलाशय बनना है, तो रिजर्वायर बनता है तो उसका कुछ सबमर्जिंग एरिया होता है, डूब क्षेत्र बन जाता है, वहाँ से कुछ आबादी को विस्थापित करना पड़ता है। तो उसमें वो लोग पूरी पूरा अपना सहयोग नहीं देते हैं, जिसके कारण अब धीरे धीरे वो समझिए 2004 में ही एक JPO ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस बना था वो काम करने के लिए, और जो हाई लेवल डैम के जगह भी चिन्हित हैं जो ऊपर में हैं, वो बागमती में नून थोड़ा ऐसे ही, कमला में चीसा पानी है, कोसी में भी है, बड़ा क्षेत्र में, लेकिन उसमें प्रगति नहीं हो पा रही है। तो हम लोगों ने, हमारे अभियंताओं ने इसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके एक सेकेंड बराज का भी प्रपोजल हम लोगों ने बहुत पहले से उस पर काम किया था, और हमें खुशी है बताते हुए कि इस बार जो केंद्र सरकार ने अभी बजट में आप लोगों ने देखे होगा कि लगभग 11.5 हजार करोड़ रुपया सिर्फ इस चीज के लिए दिया है कि इससे बाढ़ को जो मतलब नियमित बाढ़ की स्थिति बनती है उसका कम करने, शमन करने या न्यूनीकरण के लिए, या फिर सिंचाई का काम अगर उससे निकल पड़े तो इससे हम लोग गंडक से लेके, गंडक में भी है, अरेराज में है, कमला में भी है, कोसी में भी है, सब में दूसरे बराज का हम लोग प्रस्ताव तैयार करा रहे हैं। और जो बहुत पुरानी मतलब हम लोग की समस्या थी, उसके निराकरण का एक समझिए दरवाजा खुला है, और हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसमें मदद करने की घोषणा की है, और इसके लिए कुछ बजटीय प्रावधान भी किया है, और हम समझते हैं कि इसके क्रियान्वयन हो जाने से किसानों के समस्या का भी निदान होगा, और जो बाढ़ की समस्या है उसका भी हल हो पाएगा, और कुछ वर्ल्ड बैंक की सहायता से भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसका भी डिटेल आपको हम लोग दिए हैं, उसमें भी काफ़ी एडवांस स्टेज में हम लोग का मामला पहुंच गया है, और ये भी लगभग समझिए 4400 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें अलग अलग तरह की योजना है, उसका DPR बन रहा है, और हम समझते हैं कि काफ़ी एडवांस स्टेज में है, और फरवरी मार्च तक उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे, और बाकी तो तटबंधों को बचाने के लिए हम लोग बाढ़ संघर्षात्मक कार्य और बाकी काम सब करते ही रहते हैं। अभी भी हम लोग तो काफ़ी मुस्तैद थे, लेकिन एकाध जगह समस्या हुई, बांध में जो खास तौर से इस्माइलपुर बिंद टोली में जो नौगछिया के पास पड़ता है, हम लोगों के सारे मुस्तैदी के बावजूद पानी का प्रवाह इतना आया
और जो वहाँ पर अतिक्रमण था, हम लोगों के लाख चाहने के बावजूद वहाँ पे एक थोड़ा सा टूटान हुआ है, जिसके कारण एक दो पंचायत में पानी फैला है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ भी स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। बाकी थोड़ा बहुत जो खास तौर से दक्षिण बिहार में जो झारखंड से नदियाँ आती हैं, उस पर बहुत सारे पुराने जमींदारी बांध बने हुए हैं, जो बहुत किसी जमाने में कोई वैज्ञानिक आधार पर नहीं, बल्कि आम लोगों की सोच के हिसाब से जो घेरा लगा सकते थे लगा दिए हैं। वहाँ कभी कभी नालंदा में या इस इलाके में भी थोड़ी समस्या आती है, जीराइन महत्माइन ये सब नदी जो है, तो उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। और एक और जो आपको जानकारी हमें देनी है, जो अभी तुरंत तुरंत हम लोगों ने ये उपलब्धि हासिल की है कि हम लोगों ने कई तरह के कार्यों हेतु एक SOP जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर या मानक संचालन प्रक्रिया कहते हैं, वो हम लोगों ने तैयार करके उसको जारी कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता या सुविधा इससे ये होती है कि इसमें विभाग स्पष्ट बता देता है कि जैसे कोई नहर है, कोई बांध है, कोई मकान है, ऑफिस है, कार्यालय है, उसका कैसे मेंटेनेंस करना है और मेंटेनेंस को कैसे, फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो उस परिस्थिति में हमारे फील्ड के ऑफिसर्स को किस तरीके से काम करना है, ये एक तरह से स्टैंडर्ड तरीके से, मॉडल तरीके से ये ऑलरेडी उनको डायरेक्टेड रहता है, उनके पास निर्देश प्राप्त है कि किस परिस्थिति में, किस आकस्मिक स्थिति में उनको क्या करना है। उसके लिए फिर उनको अलग से पूछने, क्योंकि बिना इसके ये व्यवस्था हो जाती है कि कोई इस तरह का प्रॉब्लम अर्जेंट इमरजेंट आया और फिर वो मुख्यालय को बताए, फिर और वो कहे कि हम क्या करना चाहते हैं, फिर वो हमसे सैंक्शन लेते हैं, फिर वहाँ काम करते हैं। और कभी कभी ये भी मैंने अच्छा अनुभव नहीं रहा है कि इसी प्रक्रिया में वहाँ परिस्थिति और बदतर हो जाती है, तो उससे बचने के लिए ये एक SOP तैयार करके, जिसमें हर तरह का है कि नहरों के लिए भी है, पुल पुलिया के भी रखरखाव के लिए है। अभी देखे होइएगा कि हम लोग के नहर पर या बाकी जगह भी एक आध जगह कैसे पुल पुलिया जो है सो पहले के बनाए हुए गिरते चले गए, उसमें से अधिकांश में हम लोग जो NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं और जितनी गहराई से उनको पिलर बनाना है या पुल खड़ा करना है, क्योंकि हम लोग तो बस छोटे नहर पर बनाते हैं, बाकी जगह तो ग्रामीण कार्य विभाग या कहीं कहीं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गांव वाले लोग भी बना लेते हैं। तो अगर वो सही डिजाइन और सही स्ट्रक्चर नहीं रहता है तो वहाँ पर अगर प्रवाह बढ़ गया तो उसकी जड़ें हिल जाती हैं, पिलर ही हिल जाता है। और ख़ास तौर से ये अभी का जो अनुभव है, अभी कुछ दिन पहले जो लगातार कुछ पुल गिरे थे, कि जब हम नहरों या छोटी नदियों का पुनर्स्थापन करते हैं, जैसा कि हमने कहा, तो उसमें जो गाद जमा है उसको हटाते हैं, डिसिल्टिंग जिसको कहते हैं, गाद हटाते हैं, और जहां कोई पुल या स्ट्रक्चर उस सिल्टेड लेवल माने जमा गाद पर ही बना दिया गया और उसी की गहराई माप के पिलर बना दिया गया, तो वो टिकाऊ नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि सिल्टेड पोर्शन जो होता है उसकी मिट्टी हल्की होती है और जो भी गहराई का माप दिया जाता है किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो सॉलिड जो नेचुरल सॉइल लेवल कहते हैं वहाँ से दिया जाता है। और वही हुआ कि जब गाद हटाया तो उसके पिलर का रूट ही जड़ ही एक्सपोज हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई। तो हम लोगों ने अब उसके लिए भी SOP बना दिया है
कि भाई जो भी आपको पिलर या उसका पाया डालना है उसका प्रॉपर डेप्थ दीजिए, और जो भी डेप्थ दीजिए तो वो NSL से, मतलब जो स्वाभाविक मिट्टी का लेवल है उससे दीजिए, सिल्टेड लेवल से नहीं दीजिए, नहीं तो फिर वो मजबूती नहीं रहती है। इसी तरीके से हम लोग और भी नीति सबको बनाए हैं।